नमस्कार, मैं हूँ सोनित चौरे और आप देख रहे हैं जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। यूं तो विकास की बड़ी बड़ी बातें और दावे हुआ करते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है तेंदुखेड़ा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 और 13 की सीमा। बत्ती घोघरा नाला बरसात के 4 महीनों में इस नाली में बरसात पानी का तेज बहाव के साथ बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। फिर भी वार्ड क्रमांक 13 के वासियों इस नाली को पार करके बाजार, स्कूल के साथ रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तेंदुखेड़ा मुख्य बाजार आते हैं। यहां तक कि देश का भविष्य कहलाने वाले नोनिहाल स्कूल बच्चे, महिलाएं, मजदूर बाढ़ में भी उतर कर आते जाते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इस नाली का आज तक कोई उद्धार न हो पाया है, सोचनीय विषय बना हुआ है। पानी से आपको ऐसी रोज निकलना पड़ता है? हम लोग कोचिंग भी जाते हैं तो यहाँ पे नदी आ जाती, फिर भी हम लोग को वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। अधिक पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, फिर हम लोग वहाँ से घेर के आते हैं। घोघरा नाले के निर्माण की जरूरी दिशा में माननीय विधायक जी के माध्यम से मंत्री जी तक विषय रखा है, शीघ्र इस नाले का निर्माण किया जाए। जानकारी लगी है कि बारिश में जो घोघरा नाला है उसमें जब पानी ज्यादा गिरता है तो पानी ओवरफ्लो होता है, रोड से बच्चों को और आम नागरिकों को आने जाने में असुविधा होती है, ये जानकारी मेरे को लगी है। नगर परिषद से इस संबंध में बात करूंगा मैं। द्वारा पूर्व में भी इस पर कार्रवाई की गई थी तथा उसका DPR भी तैयार की जा रहा है। शासन स्तर पर इसकी राशि हेतु मांग की गई है तथा हमारे जनप्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय द्वारा भी इस पर विधायक महोदय जी से मुलाकात कर शासन से राशि स्वीकृत संबंध में भोपाल जाकर संचनालय में मांग की गई है। तेंदुखेड़ा से धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।